चाहेंगे, दिल है बंजारा। दिल तो बंजारा ही है, दिल तो बंजारा है। जब तक मोहब्बत नहीं होती तब तक बंजारा ही होता है। मोहब्बत होने के बाद फिर और दिल होके बंजारा जो है बेसिकली ये ऐसी लड़की की कहानी है जो राजस्थान से बिलोंग करती है, एक अच्छी फैमिली से, और एक लड़के से प्यार करती है जो बंजारा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा उनको दाना खिला रहा था। और जब अपने घर वालों से कहती है कि मैं बंजारन से प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो उसके घर वाले स्ट्रिक्टली लव के खिलाफ है कि लव मैरिज हम नहीं कर सकते, जैसे कि आप लोगों ने देखा। फाइनली बहुत फोर्स करने के बाद लड़की नहीं मना पाती अपने घर वालों को, तो उसके घर वाले कहते हैं देख फोर्स करेगी तो हम तेरे बॉयफ्रेंड को जान से मार देंगे। दिल होके बंजारा बेसिकली जब ये लड़की सुनती है तो आधी रात के दिन अपने घर से निकलती है और उस लड़के से मिलने जाती है जो बंजारा है, और वहाँ पहुँचती है तो अपने बारे में काफ़ी कुछ बताती है अपने घर की चीज़ों को लेकर। लेकिन लड़की जब हीरो को कहती है कि देखो मेरे घर वाले तुम्हें मारे, इससे पहले मैं तुम्हें मार देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते तुम्हें कोई मारे, मैं जी सकती हूँ तुम्हारे लिए परंतु तुम्हें कोई छू दे मेरे खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें मार तो रही हूँ लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मेरे घर में लव मैरिज कभी नहीं होगी, और ता 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 तीन गोली मारती है जैसे कि आपने देखा। फिनिश, फ्लैशबैक से वापस आती है और कहानी है कि बेसिकली घूम फिर के 10 साल बाद अब उसकी भांजियों की शादी है, जो लड़कियाँ हीरोइन है प्रेरणा और नम्रता, जो प्रेरणा नम्रता ऋषिका चौधरी जी ने किया है, प्रेरणा पूर्वी जामवाल जी ने किया है, जो मेरी हीरोइन है फर्स्ट सेकेंड। और फिर बुआ पहुँचती है और जैसे कि आपने देखा पूरे खानदान को ख़त्म करती है, ख़त्म कर रही थी, इतने में हीरो की एंट्री होती है जो इन दोनों से प्यार करते हैं, जैसे कि हमारे लीड हीरो मिस्टर शशिकांत कुमार हैं और सेकेंड हीरो हमारे मनीष यादव जी हैं, और इन्होंने उसमें वीरा का और इन्होंने बिन्नू का करेक्टर प्ले किया है। इज़ अ वेरी नाइस शशि जी, आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली योर गुड एक्टर शशि जी, योर गुड एक्टर मनीष जी। और फाइनली हमारे जो हीरो हैं विलन को ख़त्म करते हैं, उसके बाद एक सॉन्ग चलता है दिल होके बंजारा। मैं बाबा नितिन चौधरी राइटर डायरेक्टर बॉलीवुड में एक ऐसी नई सब्जेक्ट के साथ आया हूँ मीरा फिल्म्स कंपनी की तरफ से, इसकी जो प्रोड्यूसर है सुषमा निषाद है और हमारा खुद का अपना एक OTT प्लेटफॉर्म है द मीरा म्यूजिक, जिसमें हम रिलीज कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा वेब सीरीज एड सीरियल चल रहे हैं, उसी तरह मैंने एक नया ट्रेंड पैदा किया बॉलीवुड में स्टोरी बोर्ड एल्बम का। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ गाना सुनने होंगे, इसके पहले स्टोरी चला नहीं सुनेंगी, अभी मैं पहले स्टोरी दिखाता हूँ सिचुएशन ऑफ सॉन्ग। तो दिल होके बंजारा बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे सारे एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। एक क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा इश्क पे ही प्यार पे ही पर बनाते हैं। मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता है, बस इतना समझ लीजिए आपको लिया जाएगा क्योंकि प्यार पे आप हमेशा, अभी जब थर्ड या फोर्थ इश्कदारी जी पहले भी मतलब अब पहले से ज्यादा बहुत अच्छा जो आपका ये दिख रहा है, क्या है ये बताइए। ये सब समूह की माया चल रही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उन्हीं का बच्चा हूँ, जो भी करता हूँ उनका नाम लेता हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ ना मैं किसी को मानता हूँ, मैं तो बस श्री भोलेनाथ को जानता हूँ। कौन कहता है कि मैं राहों में अकेला चलता हूँ, मैं जब भी चलता हूँ मेरे भोलेनाथ अपनी भूतों की टोली मेरे साथ लेकर चलते हैं। अच्छा जी, एक सवाल है जी, आज ये बॉलीवुड जो है वो धार्मिक फिल्में धार्मिक एल्बम बना रहा है जी, जब से अयोध्या का हुआ है, आई नो राम जी का, लेकिन आप जो है इस तरीके से इश्क का पैगाम दे रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, तो सबसे अटकर सर एक्चुअली क्या है ना, मोहब्बत खत्म हो चुकी थी सन 2000 के बाद, मेरे ख्याल से कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसको देख के लगे कि प्यार क्या होता है। तो मैंने लव पे इसलिए शुरू की क्योंकि अब वो चीज़ें पर्सनल हैं और कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि सर का बहुत कुछ है बताने के लिए आप लोगों के पास मेरे पास, लेकिन कभी फुर्सत से बताऊंगा। बेसिकली दिल होके बंजारा पे बात करते हैं। दिल होके बंजारा जो है ये मैंने जब गाना रिकॉर्ड कराया, इसके जो सिंगर हैं संतनु दे सरकार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हुई हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, बिजी हैं, और इसकी जो प्रोड्यूसर हैं सुषमा निषाद, जो उनका कहना एक ही बात है कि भैया आप जो भी इंडस्ट्री में कीजिए बेहतर नहीं बेहतरीन कीजिए, तो मैं बेहतर करने की कोशिश में लगा हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार चाहिए, हमारे एक्टरों का सपोर्ट चाहिए, हमें मिल रहा है, सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों का तो प्यार स्ट्रिक्टली चाहिए दिल होके बंजारा, क्योंकि अभी तो मैं बंजारा हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप एज एक्टर लीड कर रहे हैं, उससे पहले तो सबसे जो होता है मूड, मुख्य भूमिका हमारे मीडिया के होते हैं, हमारे ऑडियंस होते हैं, हमारे मीडिया हमारे ऑडियंस अगर जो हम बना रहे हैं अपने मेरा म्यूजिक के बैनर तले, अगर उनको पसंद है तो समझ लो उनको भी पसंद है। और हमारे डायरेक्टर राइटर बाबा नितिन चौधरी जी
ये तो सब कुछ बता ही दिए, क्या बताए सर, आप क्या कहना चाहेंगे एज ए लीड रोल, आप क्या कहेंगे? देखिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मेरे मीडिया को, आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मीरा फिल्म कंपनी को, मीरा अदर मीरा म्यूज़िक कंपनी को, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये प्रोजेक्ट में मीट करने का मौका मिला। और शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे सभी गेस्ट आए हुए हैं, हैरी भाई बियन सर, बियन सर हैं, और रूपल नादा रैना वशिष्ठा जी, इनका सहयोग रहा कि आज यहाँ पर आकर इन्होंने मेरे सम्मान को बढ़ाया। देखिए इस प्रोजेक्ट के सिलसिले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि दरअसल में जिस उस प्रोजेक्ट को हम लोग कर रहे थे पुष्कर में जी, दिल होके बन जा रहा, पूरी स्टोरी आपने देखी, पूरे गाने को आपने देखा, नरेट किया, एक्सप्लेन कर दिया कि हम स्टोरी में क्या है। अभी बड़ा अच्छा सवाल किया था उन्होंने कि आप प्यार पे क्यों बनाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि हम प्यार पे बनाते हैं या लव पे ही हम गाने लेके चले, हमने कुछ डिफरेंस किया है, लव ज़रूर है मगर कुछ चीज़ों को भी और दिखाया, जैसे हमने मंडप में फांसी का सीन दिखाया जी, वो अलग था, ये आज तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राइटर डायरेक्टर ने मंडप में फांसी दी है, वरना आज तक सिर्फ शादियां हुई हैं, और मैंने एक नया देने के लिए प्रयास किया है। तो शशि जी एल्बम के बाद फिल्म करने की भी तमन्ना है? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, हम लोग तैयारी कर रखी है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम जल्दी करेंगे। तो ये जो आप नितिन चौधरी साहब एल्बम रिलीज कर रहे हैं ये फिल्म ही है, फिल्म से कम नहीं है, 10 मिनट में सब कुछ कह दिया है। हाँ बिल्कुल, इस बार इन्होंने काफ़ी मेहनत की, हम जब पुष्कर में शूट कर रहे थे 0° सेल्सियस पे शूट कर रहे थे, हमें मालूम नहीं था कि इतनी ठंडी वहाँ पड़ेगी, बहुत रेत, जब ठंडी पड़ती तो रेत भी ठंडी हो जाती है, उस टाइम पे नाइट समथिंग हो रहा था -6 समथिंग था, उस टाइम पे हम बाहर खड़े थे और मेरे होठ पड़ गए, ब्लड निकलने लगा अचानक, तो हम भाग की गाड़ी में गए, मेरे और सभी आर्टिस्ट थे भी रेत के लेके हुए थे, कांप रहे थे, इन सब का दिल से शुक्रिया करता हूँ, बहुत ही मेहनत की इन लोगों ने मेरे लिए, हमारी टीम के लिए और हमारी कंपनी के लिए और हमारे प्रोड्यूसर सुषमा जी के लिए, तो सुषमा जी ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे एक्टरों को, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी वहाँ पर, हमें हर चीज़ अवेलेबल थी हमारे एक्टरों के लिए, उनका हर प्रोजेक्ट से बेहतर एक अनुभव रहा इस प्रोजेक्ट में, आप लोग के सामने ही है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें और बेहतर करें, तो हर बार कुछ बेहतर 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 प्रेजेंट करने की मतलब एक तैयारी है, चल रही है, बाकी इस बार आपका लुक फाड़ू था, छा गया, थैंक यू, इतनी आपको मेहनत करनी पड़ी लुक पे, तो खैर ज़्यादातर मेहनत की राजा दादा, आप हमारे मेकअप इन्होंने मेहनत की, और बाकी एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी में अपने आप को कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, लुक पे तो बहुत कुछ खास नहीं बता पाऊँगा मैं भी। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइस दैट यू आर हेयर फॉर अस, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दिल होके बन जा रहा, ये जो हमारा सॉन्ग है बेसिकली इट्स ए स्टोरी बोर्ड एल्बम सॉन्ग, तो इसमें स्टोरी जो बोर्ड की गई है वो कहीं ना कहीं सॉन्ग से रिलेट करके ही स्टोरी बोर्ड की गई है, जैसे दिल होके बन जा रहा, तो एज ए वहाँ पे राजस्थानी जो कल्चर है कहीं ना कहीं उसको भी दिखाया गया है, जो बंजारन ड्रेस उनका जो रहता था प्रॉपर तैयारी के साथ, और साथ ही साथ प्यार का जो कंसेप्ट है तो प्यार से ही दुनिया चल रही है, तो प्यार का कंसेप्ट दिखाने का मोटिव ये है कि जो इश्क का जो रास्ता होता है उसमें बहुत सारे मुश्किलें जो आती हैं, फिर भी उन मुश्किलों को पार करके कैसे प्रेमी जो होते हैं अपने अंत तक पहुंचते हैं। यस यू आर राइट, तो सर का वही कुछ दिखाना रहा कि किस प्रकार से वो सब चीज़ें होती हैं, और फिर तो वो सब चीज़ें यही एक मोटिव है प्यार को आगे लेके, क्योंकि आजकल जैसे आप द्वंद्वात्मक तरीके से देख रहे हैं किस प्रकार के द्वंद चल रहे हैं दुनिया में, कहीं समाज को लेके, कहीं किसी चीज़ को लेके, वाद विवाद, धर्म धार्मिक मतभेद, तो उन सब के हम कहीं ना कहीं प्यार को भूल गए हैं, तो वो जब हम इस तरह की फिल्में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ इंसानियत आज भी मौजूद है। सो बस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। First of all, I would like to thank my director, Nitin sir, my co-actor and my producer, Manish ji and Shashi ji. इन्होंने मुझे मौका दिया और इनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा रहा, एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। राजस्थान में मैंने पहली बार शूटिंग की, सच में बहुत ज़्यादा ठंड थी, जैसे शशि जी ने कहा हम लोग काँप रहे थे रेत पर,
बट जब स्क्रीन पे देखा तो सब समझ आ गया और बहुत खुशी हुई सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका काम। थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं पहली बार इस टीम के साथ काम कर रही हूँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, एक परिवार की तरह हमारा माहौल हो गया है जी, बहुत अच्छा लगा। रवि जी, आप चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए तो कैसा लगा आपको? थैंक यू वेरी मच। मैं तो देखा और मैं सबकी मेहनत वाकई रंग लाई, बहुत अच्छा शूट किया नितिन जी ने और सभी एक्टर लोगों ने, बहुत बढ़िया काम किया और मेहनत दिख रही है आप सभी को, और सब ने जो मेहनत की है और सबसे पहले जो स्टोरी बोर्ड मैंने पहली बार देखा, जैसे एक सॉन्ग की स्टोरी बोर्ड आई है नितिन, वेरी वेरी थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, समथिंग न्यू आया, लाइक मतलब 5 मिनट गाना वो खत्म करी, चलो 10 मिनट में फिर आपको एक साथ में स्टोरी भी चल रही है और उसके साथ जो रीजन जो गाना आने वाला है वो उसके साथ चल रहा है, वेरी न्यू थिंग्स एंड बेस्ट ऑफ फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया कर रहा हूँ, थैंक यू बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने एंड कीप रॉकिंग। बहुत जल्द हैरी भाई और शशि जी के अपोजिट एक दूसरे को उतार रहा हूँ मैं एज ए विलन एज ए हीरो, बहुत जल्द। सारी बातें तो लोगों ने बता दी है। नहीं नहीं सर, प्लीज आप बहुत बढ़िया लगा सर, नितिन का काम मैं देखते आ रहा हूँ, इसमें क्या है कि डायरेक्टर दिखता है अपना काम करते हुए, एक इंटरेस्ट दिखता है, भविष्य बड़ा खूबसूरत लगता है देख करके आर्टिस्टों का और डायरेक्टर का। थैंक यू सर, हमारी दुआएं हैं, हमने इससे पहले भी देखा था, काफ़ी फर्क पड़ा है जी, तो मैं चाहूँगा कि अगला जो आए वो इससे बेटर हो। थैंक यू, हमारी गुड मिसिंग है और क्या कर सकते। नितिन जी का और आपका बहुत गहरा रिश्ता, हर प्रोग्राम में आपको आ जाते हैं सर, क्या कहते हैं? नितिन जी के अंदर बहुत पावर है सर कि हमको बुला लेते हैं, हमको जल्दी बुलाते नहीं, नितिन जी की मोहब्बत है इसलिए लव स्टोरी बनाते हैं, ये प्यार इनके अंदर बहुत भरा हुआ है। थैंक यू, खाली भोले भोले बोलते हैं, अब लव बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं, मोहब्बत ना होती तो गज़ल कौन कहता, एक कीचड़ को फूल को कमल कौन कहता, प्यार तो खुदा की देन है वरना एक लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। सवाल मेरी तरफ से है जी, फिल्म में हमने देखा दोनों कपल्स को गोली लग जाती है जी, आपने एक कपल को जीवित रखा, एक को तो मार दिया। एक्चुअली सर एक को इसलिए मारना पड़ा क्योंकि अगर मैं दोनों को जिंदा रखता तो शायद मेरी कहानी समझ में नहीं आती लोगों को, तो एक हीरो को हमेशा मरना पड़ता है, आपने काफी फिल्में देखी होंगी। बेसिकली बात ये है कि इसमें दो हीरो थे और दो में से एक को मारना जरूरी था क्योंकि मुझे कहानी पार्ट टू ले जानी है, जैसे कि आपने अभी कंटिन्यू हीरो के बंजार, तो सेकेंड पार्ट में आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों मारा उसको। मैं हीरोइन से जाना चाहूँगा, अगर मर जाए बेटी खुश होकर नाचेगी क्या? आप बताओ, बाप के मरने के बाद सुन, आप बताओ कि अगर आपके पिताजी मरते हैं आप खुश होकर नाचेंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गाना मरने के बाद शुरू जरूर हुआ है बट वो एक इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, जो चाय की टपरी है वो वहाँ से फ्लैशबैक में गए, जब बोलता है डोंट वरी म्यूजिक सुनाई देता है, ये चारों उठ के वहाँ जाते हैं, जब देखते हैं कि बैठते हैं ये चारों फ्लैशबैक में जाते हैं, ये गाना उनके पहले हो चुका है, ठीक है पहले हो चुका है, फ्लैशबैक से आते हैं तो बुआ इनको मिलती है, बेसिकली कंटिन्यू इज चाय टपरी, डोंट वरी। बाकी सेकेंड पार्ट में आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों दिखाया। हमने कुछ चीज़ें इसमें ऑप्शन में रखी हुई जी, वास्तविक में कुछ चीज़ें आप देखे होंगे, हो सकता है ये सवाल जो उठाए ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो जैसे बाहुबली आई फिर फर्स्ट आया जी, तो उसमें चीज़ें कि लोगों के बंजारा पार्ट से में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मैंने सस्पेंस की छोड़ा है बाहुबली में कटप्पा ने क्यों मारा, यस यस यहाँ भी ऐसे तरीके से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू। ये मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस जो स्टोरी नमस्कार, मेरा नाम साजिदा खान है और मैंने एक स्टोरी में एक करेक्टर किया है मदर का, और ये हमारी बहुत ही प्यारी स्टोरी बनी है और सबकी मेहनत रंग लाई है, और देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये सॉन्ग है, ये एक शॉर्ट फिल्म लग रही है, और जैसे कि नितिन ने शुरू किया है कि स्टोरी बोर्ड एल्बम सॉन्ग, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन एंड आई वॉन्ट टू सी कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू शशि जी एंड माई हीरोइंस एंड ऑल मनीष जी एंड स्पेशली बाबा नितिन चौधरी, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बंजारम से मैं पूछना चाहेंगे, ये मैम क्या कुछ बोलेंगे, एक तो आप बहुत अच्छा गेटअप भी था आपका और गाने की सुबह भी थी आपके साथ, जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। हाय, मेरा नाम आशिका जैन है, मीरा फिल्म कंपनी के साथ ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है
और बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में मैंने लीड किया था, बट इस बार मुझे कुछ डिफरेंट करने को मिला, एक बंजारे का लुक, तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, समथिंग यूनिक। एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो एक राजस्थानी लुक भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेसिकली स्टोरी तो आप लोगों को पता है कि इसमें क्या स्टोरी का संदेश आप लोगों को दिया गया है, तो बस यही है कि ऐसे हम लोग कंटिन्यू प्रोजेक्ट करते जाए और ऐसे मीरा फिल्म्स कंपनी की ओर से हम आपके लिए एक नई नई स्टोरी प्रेजेंट करते जाए। मैम आप क्या कहना चाहते हैं? भाई आगे बढ़ रहा है तो बहन को ज़्यादा खुशी होती है। मैंने और नितिन जी ने बहुत प्रोजेक्ट्स किए साथ में, हमने एक्टिंग भी किए, हमारी Z5 पे हमारी वेब सीरीज़ भी रिलीज़ हो रही है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी उनकी कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं वो मुझे बुलाते हैं एज अ लकी चाहूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और पहले भी मैं आ चुकी हूँ, लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि नितिन जी अब ये सब पोस्टर हटा के अपने पोस्टर्स लगा दो यहाँ पे। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो यही। एंड एज पर द स्टोरी बात करूँ तो हमने हमेशा जितने भी एल्बम्स होते हैं, गाने होते हैं, कोई सब एल्बम में हमने स्टोरी भी देखी है, बट विथ स्टोरी एंड डांसिंग एंड ऑल इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, विच इज स्टोरी बोर्ड, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम नितिन जी, सो इट इज़ रियली गुड फॉर कमिंग जनरेशन हु इज़ गोइंग टू फॉलो इट। और मुझे लगता है ये किसी ने किया भी नहीं है और करेंगे भी नहीं है, तो अब ऐसा होना चाहिए कि रादर देन वी शुड गो इन OTT प्लेटफॉर्म, ये भी रिलीज़ होना चाहिए। ये एक नई शुरुआत होगी कि 15-15 मिनट्स की स्टोरी बोर्ड भी रिलीज़ हो, तो उससे OTT फिल्म्स में इन स्टोरी भी देखने मिलेगी और सॉन्ग्स भी देखने मिलेंगे और अच्छे अच्छे गाने भी सुनने मिलेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ नितिन जी इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को लॉन्च कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं। आज 3rd एल्बम है इनका, अब एक एक महीने में बुलाते थे, अब मुझे लगता है 15-15 दिन में हमें आना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं 15-15 डेज में हम आए। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड यू गाइज रॉक टुडे, यू हैव डन गुड जॉब, कीप डूइंग एंड वी ऑल ब्लेस यू। सो डोंट थैंक यू एंड वी ब्लेस मीडिया टू। और इनके साथ जो प्रोड्यूसर हैं शशि जी, बहुत प्यारे, इन्होंने यूट का बहुत ध्यान रखा, बहुत लफड़े चले, बहुत प्यार चला, बहुत प्यार रहा, बहुत अच्छे रहे, बहुत प्यार, बहुत प्यारी शूटिंग रही, हमारा बहुत ध्यान दिया गया, बहुत सर्दी थी, बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग डायरेक्टर, थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना है? ये बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, पहली बार काम किया नतीजा टीम में, बहुत अच्छा लगा इनका, मतलब जो वहाँ पर मैनेजमेंट था कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, जैसे खाने को लेके लोकेशन में टाइम वाइम, गणेश जी इनके साथ काम करने का मज़ा आया, कोई चीज़ का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था काम में, काम किया बहुत अच्छे से, काम किया जो चाहिए था उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी किया काम में ना, इसलिए अच्छा लगा बहुत। आपने देखा भी रिजल्ट आया। ये हमारे मिस्टर गणेश बाबू हैं और हमारी जो पोस्ट हुआ है सब इनके स्टूडियो में चलता है। कृष्णांगी गणेश जी ये अपने आप में खुद एक्टर भी हैं हमेशा आप ही जी, ये हम राम और श्याम हैं, जैसे शिव और बाबा हैं तो उसी तरह राम और श्याम। सबसे अच्छी तो ये लगी कि नितिन जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत बेहद खुशी होती है, और काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, बस बहुत अच्छा निकल के आता है। थैंक यू। बट और भी चीज़ें हैं, बट ये बहुत अच्छी प्रोजेक्ट हुई है और इसके बाद भी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और एक मैं आज अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं बाबा जी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, बहुत जल्द। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सवाल ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि सेकंड पार्ट बनने वाला है, कब वो आने वाला है? बहुत जल्द, कमिंग सून, तो बहुत जल्द होगा, ईश्वर ने चाहा जल्द ही मुलाकात होगी आपसे। से कई मुद्दतों के बाद वह, यही आप लोग के लिए शायरी है कि कई मुद्दतों के बाद वह दिन आया होगा, खुदा ने आप सबके लिए फुर्सत से मेरे लिए बनाया होगा, पहले तो सोचा रखा होगा कि बाबा नितिन को अपनी जन्नत में, बाद में शायद आप लोगों का मेरा ख्याल आया होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि कौन स्टार बनेगा आने वाले, क्योंकि बॉलीवुड में स्टार नहीं रहे, पर मेरी ख्वाहिश है सर कि शशि जी ज़रूर, क्योंकि ये मेरे मनपसंद के एक्टर हैं, जो मुझे चाहिए था, आई एम नेचुरल, मुझे नेचुरल बहुत पसंद है, मैं ओवर नहीं दिखाना चाहता, तो नेचुरल चीज़ी में जो आपके सॉन्ग में सब दिख रहा था, नेचुरली था, मैंने यहाँ तक कि जो मेरे बॉलीवुड में स्टार नहीं रहे जी, स्टार सर एक्चुअली जो शाहरुख खान के बाद कोई आया नहीं सर, एक्चुअली आपसे झूठ क्यों बोलूँ, शाहरुख खान के बाद कोई नहीं आया, ये सब बच्चे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, बाबा नितिन चौधरी बोल रहे हैं ये, ठीक है हम देंगे स्टार बॉलीवुड। वेरी गुड सर, आपका एक फेमस डायरेक्टर, आई एम डायरेक्टर, क्या बात है।